दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे मैक्रोज हमने बना रखा है और जैसे हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, मैक्रोज हैज बीन डिसेबल्ड, इनेबल कंटेंट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस एक्सेल के अंदर मैंने एक मैक्रोज बनाया हुआ था और जैसे मैं बंद करके इसको वापस से ओपन किया तो इस तरीके की सिक्योरिटी वार्निंग आ रही होगी, आपको भी आ रही होगी अगर आपने उसको उस एक्सेल के अंदर कोई भी अगर आपने मैक्रोज अगर बना रखे होंगे तो इस चीज को आप कैसे हटा सकते हैं, इसको आप आसानी से यहाँ पे एक्सेल के अंदर हटा सकते हैं। देखिए कैसे, सिंपल आपने यहाँ पे जाना है फाइल के अंदर, ये जो फाइल टैब है इसके अंदर जाना है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे फाइल के अंदर आपने जाना है और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शंस, ये आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में है ऑप्शंस, इस ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर एक्सेल से रिलेटेड पूरी की पूरी सेटिंग यहीं पे आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट में आपने एक देखना है ऑप्शन ट्रस्ट सेंटर, इस ट्रस्ट सेंटर पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग वगैरह भी, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ द ट्रस्ट सेंटर कंटेन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग, दिस सेटिंग कीप हेल्प कीप योर कंप्यूटर सिक्योर, वी रिकमेंड दैट डू नॉट चेंज दिस सेटिंग्स। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो सिक्योरिटी वार्निंग जो पीछे हमें एक्सेल के अंदर देखने को मिल रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस सिक्योरिटी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है ताकि एक्सेल के अंदर कोई ऐसा अननोन सोर्स से कोई भी जो मैक्रोज है वो ना रन हो जाए जिससे आपका डेटा लीक भी हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ डाउनलोड भी करते हैं इंटरनेट से कोई भी टाइप का एक्सेल, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का मैक्रोज अगर लगा हुआ तो फिर क्या होगा। इसीलिए ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ऑफ रखता है और यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आपको दिखाता है, यानी कि अगर कोई भी आपने एक्सेल इंटरनेट से डाउनलोड भी किया है तो उसके अंदर जो भी मैक्रोस होंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल रहते हैं, यानी कि बंद रहते हैं, वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक आप यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इनेबल कंटेंट इस पे क्लिक नहीं कर दें। तो इसलिए ये एक तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आपको पता है कि ये एक्सेल है, ठीक है, इस एक्सेल का आप चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी वार्निंग है वो ना है तो आप उसको यहाँ पे हटा सकते हैं। फिर से मैं वो ऑप्शन पे चला जाता हूँ, फाइल ऑप्शन, फिर उसके बाद से ट्रस्ट सेंटर। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सिंपल आपने यहाँ पे चले जाना है मैक्रोस सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ पे मैक्रोस सेटिंग के अंदर ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि किस किस टाइप को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए इसने लिखा हुआ है डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, यानी कि ये जितने भी मैक्रोज आपके एक्सेल के अंदर होंगे, भले आपने वो डाउनलोड किए हैं या आपने खुद बनाए हैं, वो डिसेबल करके रखेगा नोटिफिकेशन के साथ। तो देखिए डिसेबल है और हमें पीछे नोटिफिकेशन भी इसी हिसाब से दिख रहा है। और भी ऑप्शन है यहाँ पे डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं देखना है और बाय डिफॉल्ट उस एक्सेल सीट की या जो भी एक्सेल सीट आप खोल रहे हैं उसका मैक्रोज डिसेबल रहे तो ये पहले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कि इनेबल ऑल मैक्रोज, ये एक तरीके से ऐसी सेटिंग है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी मैक्रोज एक्सेल के अंदर हैं वो रन हो रहे होंगे, रन हो जाएंगे बिना आपकी परमिशन से, ठीक है। यानी कि इधर आपने एक्सेल को खोला और वो उधर रन हो गया। इसीलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि ये जो सेटिंग है ये नॉट रिकमेंडेड, यानी ये रिकमेंड नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट, बोलता है कि पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन, यानी कि कुछ डेंजरस या फिर मॉलवेयर कोड या फिर कुछ ऐसे वायरस टाइप के कोड यहाँ पे इसी जो भी हमने बीबी स्क्रिप्ट में देखा था या फिर माइक्रो जो मैक्रो हम यहाँ पे बना रहे थे उसके अंदर हम कोड भी लिख सकते थे। अगर मान लीजिए इसी तरीके का कोड किसी ने लिख दिया, आपने उस एक्सेल को डाउनलोड कर लिया और रन कर दिया तो आपके सिस्टम के साथ क्या हो सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे डिसेबल करके बाय डिफॉल्ट रखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो अभी फिलहाल बंद करने के लिए सिर्फ आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। तो जैसे इनेबल ऑल पे मैं क्लिक किया और ओके कर दिया, क्लिक यहाँ पे भी ओके कर दिया, तो अब ये चीज यहाँ से हट जाएगी, यानी कि अब देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको मैं फिर से यहाँ पे ओपन करूंगा। तो अब की बार देखिए
वो जो सिक्योरिटी वार्निंग थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन आपने इसको ऑन करके नहीं रखना है क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वो किस तरीके का कोड हो, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है तो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। तो इसको मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, मैक्रोज सेटिंग के अंदर, और डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप उसको फिर से ऑन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।